हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माया दी टैरो। और ये रीडिंग है 4th ऑफ अगस्त से लेके 10th ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस वीक में, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Eight of Pentacles, Page of Pentacles, Three of Chalices, Two of Chalices, and Four of Aidens. Okay. तो कैप्रिकॉर्न हमारे पास है Two of Chalices. Two of Chalices के साथ लगता है आप किसी के बहुत क्लोज आ गए हैं। ये पर्सन एक बहुत अच्छा फ्रेंड नज़र आ रहा है, ये पर्सन एक बहुत अच्छा लवर नज़र आ रहा है, पोटेंशियल लवर हो सकता है ज़्यादातर केसेस में, मतलब आप में से ज़्यादातर लोग के लिए ये एक इनिशियल फेज हो सकता है, जब ये पर्सन एक अच्छे दोस्त के साथ साथ एक लवर में बदलता जा रहा है। और आपको इंतज़ार है कि कब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा या कब ये एक्सेप्ट करेगा कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और फिलहाल आपका वेट लग रहा है और लंबा खिंचता जा रहा है, ये पर्सन कुछ कन्फेस नहीं कर रहा, कुछ कह नहीं रहा। ये चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन लगातार आपको कन्फ्यूज कर रहा है अपने रिप्लाइज से। तो एक चीज़ जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस वीक में, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो है पेंटिकल्स। कुछ इश्यूज हो सकते हैं इनके पैसों को लेके, या ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल भी हो सकता है और फिलहाल अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ओके, नॉट इन अ नेगेटिव वे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बिल्कुल इमोशनलेस है या इन्हें लव से कोई मतलब नहीं है। ऑफकोर्स जिसे लव से कोई मतलब नहीं होगा वो इतना रोमांटिक नहीं हो सकता। ये पर्सन प्रायोरिटीज चुनने पे मजबूर है। ओके, इस वीक में ऐसा लग रहा है जैसे इनकी मजबूरी है कि ये दूसरी चीज़ों को इस वक्त प्रायोरिटी दें, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पर एक बार ये चैलेंजेस पूरे हुए तो आप सिचुएशन को बदलता हुआ देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ एक डीप कनेक्शन है। ओके, ये पर्सन आपको एक सरप्राइज की तरह देखता है, आपको एक मैजिक की तरह देखता है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप इनके लिए एक गिफ्ट हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन जानता है कि आप उन लोगों में से हैं जो इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। ओके, बट फिर भी ये पर्सन आगे बढ़ के कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में अगर आए तो उसे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, मतलब क्या वो आपको वो सारी खुशियां दे पाएंगे जिसके आप हकदार हैं और जो आप चाहते हैं, जिसके आपने ड्रीम्स देखे हैं। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा अंतर हो सकता है जो इस पर्सन को बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा है, स्पेशली अगर वो फाइनेंशियल लेवल पे हो तो, आप दोनों के बैकग्राउंड्स में या आप दोनों की जॉब्स में या कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली हो। बट ये जो भी चीज़ है ये इस पर्सन को इतना परेशान कर रही है कि ये अभी से सारे फ्यूचर को सिक्योर कर लेना चाहते हैं, जैसे कि ये श्योर करना चाहते हो कि इस बार वो कुछ ऐसा करेंगे कि जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए, जब आपको कमिटमेंट दे या जब आप दोनों शादी कर लें तो उसके बाद कोई और प्रॉब्लम आए ही ना कभी, सब कुछ पहले से सॉर्टेड आउट हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहा है एंड इसीलिए थोड़ा परेशान भी है। थ्री ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन आपको पा के खुश है। ओके, ऐसा लग रहा है ये दूसरों को ये बताने में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उनके पास आपके जैसा लवर है, उनके पास आपके जैसा पर्सन है। और ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है दूसरों से आपके बारे में एंड खुश हैं ये आपको पाके, बट फिर भी इन्हें लगता है कि इन्हें इस वक्त दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इस पर्सन को लगता है जैसे इन्हें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है आपको
कि हाँ वो आपके लायक हैं, आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। फोर ऑफ एटम्स के साथ ये एनर्जी अकेलेपन की आप दोनों के ही ऊपर हावी होगी इस वीक में। आपको लगेगा जैसे ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको अवॉइड कर रहा है, और शायद इन्होंने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया है आप में। और दूसरी तरफ इस पर्सन को भी अकेला सा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो इस वक्त जो भी कर रहे हैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये है एक तरीके का प्रेशर जिसे उन्हें हैंडल करना है, और इसीलिए ये पर्सन भी बहुत अकेला सा महसूस कर रहा है। फील नहीं कर पा रहे लव को, रोमांस को, क्योंकि खुद को फ्री नहीं महसूस कर रहे। ओके, किसी भी कनेक्शन को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए, स्पेशली लव कनेक्शन को एंजॉय करने के लिए, आपका स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है, और वही इस वीक में नहीं हो पा रहा, इसीलिए आप दोनों के बीच ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस ऑफ एडम्स, क्वीन ऑफ चालिसेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ एडम्स एंड द स्टार। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ एडम्स। एस ऑफ एडम्स के साथ एक अजीब सा साइलेंस आप दोनों के बीच में आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हो गया है। ओके, इस मंथ में ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही सोचने लगेगा, और इन्हें लगेगा कि इन्हें अभी कमिटमेंट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, इस रिलेशनशिप तक के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो अभी आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का क्या मतलब है। आपका दिल टूटेगा, उनका दिल टूटेगा अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए तो। अभी से ही इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है, तो अगर आप दोनों और टाइम स्पेंड करते हैं इस रिलेशनशिप में तो फिर और मुश्किल हो जाएगा दूर जाना, एंड फिर आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करना और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी बात को सोचकर ये पर्सन पीछे हट रहा है क्वीन ऑफ चैलेंजेस के साथ। ये पर्सन क्लियरली देख सकता है कि आप कौन हैं एंड आपने उनके लिए क्या किया है। आप ये ब्यूटी हैं जो अपने आप में कंप्लीट है, और उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर डिजर्व करते हैं। आप वो पर्सन है जो जब किसी को प्यार करता है तो वो खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते या आपको धोखा दे रहे हैं। एक तरीके का गिल्ट है इनके मन के अंदर। किंग ऑफ एटम्स बिल्कुल साइलेंट हो सकता है फिलहाल, तो शायद इन्होंने ये जिद पकड़ ली है कि अभी वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाएंगे, और ये जिद सिर्फ आपको ही तकलीफ नहीं दे रही, इस पर्सन को भी दे रही है, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल अपोजिट है उसका जो वो चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक फैमिली, एक मैरिड लाइफ, एंड देन फिर ज़मीन पे आ जाते हैं। याद आता है कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। द स्टार के साथ ये पर्सन फिलहाल खोया हुआ है, मगर आपको भूल नहीं पा रहा, अभी भी इनके आंखों के सामने ये स्टार जो चमक रहा है वो आप ही है, और इसकी रोशनी ने इन्हें पूरी तरह से घेर रखा है। तो आपको नज़रअंदाज करना इस पर्सन के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। अबंडेंस, तो अबंडेंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आपको कुछ वेट करने की ज़रूरत है। ये अबंडेंस आप तक वो सारी खुशियाँ लेके आएगा जिसके आप हकदार हैं, एंड इस वक्त ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन की सोच के बारे में, ये खुद बखुद चेंज होगी। बट फिलहाल आपको जो मिल रहा है दूसरे पहलुओं पर अपने लाइफ की, आपको फोकस करने की ज़रूरत है।
तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.